र के विविध रूप आपने बच्चों देख लिए। अब एक उसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा विषय और है, र के साथ ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं। ह्रस्व उ की मात्रा आपको पता है इस प्रकार होती है और दीर्घ उ की मात्रा इस प्रकार होती है। र के साथ ह्रस्व उ लगने पर मात्रा र के इस प्रकार लगेगी और दीर्घ उ लगने पर इस प्रकार लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अन्य जो वर्ण होते हैं, कोई भी वर्ण है जैसे क है, च है, स है, प है, कोई भी वर्ण ले लीजिए, हमने मान लीजिए उसमें ह्रस्व या दीर्घ उ कोई भी मात्रा लगानी है, इस प्रकार लग जाती है, इस प्रकार लग जाती है। तो र के ह्रस्व और दीर्घ जो उ है वो इस प्रकार से उनकी मात्रा क्यों नहीं लगती है। तो इस प्रकार से मात्रा लगने, देखिए कि कोई भी शब्द जब हम लिख रहे हैं तो वह हमारी जो समझ है उसको पुख्ता करने के साथ, हमें उस शब्द का अर्थ समझाने के साथ साथ वह शब्द लिखा हुआ भी सुंदर दिखाई देना चाहिए। यह भाषा की एक विशेषता होती है। तो जब हम र के साथ इस प्रकार से इन ह्रस्व और दीर्घ उ का प्रयोग करेंगे तो यह आप देख रहे होंगे कि बहुत ही लंबा हो जाता है और सुंदर भी नहीं दिखाई देता। तो र के यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ पर देखिए जो जगह है, यहाँ पर जो जगह है, हम ह्रस्व और दीर्घ उ की मात्राओं का प्रयोग यहाँ नीचे ना करके हम यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार से ह्रस्व उ के लिए हम इस प्रकार से मोड़ देते हैं और दीर्घ उ के लिए इसको इस प्रकार गोला बनाते हुए इस प्रकार हम ले आते हैं। देखिए जैसे ह्रस्व उ की मात्रा जब हमने र में लगाई तो इस प्रकार से उसका स्वरूप बनेगा, जैसे गुरु, पुरुष, रुपया। और दीर्घ उ की मात्रा का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका स्वरूप कुछ ऐसा होगा, रूप, जरूर, रुद्र।